से आ गए हम मास्क में, सैनिटाइजर में और सोशल डिस्टेंसिंग में। अभी ये चीज़ में फिर ध्यान रखना है सभी को, क्योंकि छत्तीसगढ़ इटसेल्फ, कल पता चला रायपुर में भी कोरोना के केसेस आ गए हैं उड़ीसा से, और बॉम्बे, कर्नाटक, ये सब जगह अभी मिलेगा केसेस चेन्नई तक। खैर हम तो कर्नाटक तक लास्ट जाके गोवा होते हुए बॉम्बे होके आ जाएंगे वापस। तो केसेस से सावधान रहना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलना है, टुक टुक को ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, एंड सैनिटाइजर यूज़ करते हुए चलना है। ये रॉड पर जगह लोकल आ गया आ गए दोस्तों। सुबह 8 बजे पहुँचे यहाँ पर अपने LTT कुर्ला स्टेशन। अभी बस टर्मिनल सामने का ही है, 190 मीटर दूर, वहाँ जा रहे हैं। बस लेंगे महाबलेश्वर के लिए, और ये सामने टैक्सी स्टैंड है। समर्थ मंदिर, पाटिल पथ, मोती चौक, राजवाड़ा। सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा है 1200 কথা। ये हाउसिंग सोसाइटी है इनका, দত্তাত্রেয় মেধা। এটাই কি আমাদের বুড়ো লোকটা? না না নাই নাই करके मोड़े ना। अरे पर तुम्हें आधी बोलून था ना, श्योर ना? ओ हाँ, बाबा यहाँ तो कुत्ते लोग हैं भाई, कुकुर है भाव पर सुनना। अरे मेरे को अपना मोनोपॉड लाना ही था, मतलब आभारी अहोत अच्छा है, पर ये अभी नाइट में कुछ व्यू समझ नहीं आएगा। चलो अंदर है, कायम रहे बाबा। वो फटाक से तो ला, ठंडा तो आज सेम जूतो पड़े छो ना, ये जो नहीं दड़ा मत चोटी टे नहीं हो मानी ऐसे कुकुर वुकुर आज से गो आगे ना। उधर के बोले को ना लाभ नहीं, हमें छुट्टी नहीं है, हमें ओखाने जाओ, हमारा आनंद अनेक हमारे मेटा तो कथा चले ना। तो हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। और अभी महाबलेश्वर के रोड में हूँ मैं, और यहाँ पर कैब सर्विस, टैक्सी सर्विस या टूर ऑपरेटर लोगों से कांटेक्ट करने के लिए नीचे मार्केट के पास जा रहा हूँ। 1 किलोमीटर है लगभग यहाँ से स्ट्रेट ऊपर चढ़ के, फिर आगे से नीचे। कल हम लोग गए थे शाम को, मतलब खाना वाना खाने के लिए। उस समय थोड़ा सा कॉस्टली है जगह, अभी जहाँ स्टे कर रहे हैं कॉस्टली में भी सबसे मिनिमम रेट यहाँ हम लोग को लगभग 2900 रुपये पड़ा है 1 नाइट स्टे, वो भी फॉर 12 आवर्स ओनली, क्योंकि इनके यहाँ मॉर्निंग में अपना चेक इन टाइम रहता है 10 बजे। एंड वी थॉट, जैसे कि इन्होंने ऐप में मेंशन किया था booking.com में, कि रात को 11 बजे 10 बजे के बीच, तो मैं एज़ यूजल, ट्रेन भी हमारी मॉर्निंग में ही आई बॉम्बे से, यहाँ आते आते हमको रात के 8 बज चुके थे। तो चेक इन टाइम हमारा वही 9 बजे होके रह गया, और इनके हिसाब से अभी करंट अपडेट किए हैं कि सुबह 9-10 बजे के बीच छोड़ देना है। आप अगर कंटिन्यू करेंगे सेकेंड डे तो कल सुबह तक 24 घंटे रह सकते हैं विथ
पेइंग ऑफ अनदर 2900। तो वो सब ना करते हुए हम लोग आज घूमना है, दिन में घूमेंगे, इधर पंचकनी में रुक जाएंगे और या फिर पंचगनी से आगे कल वाई से बस पकड़ के आए थे, तो वाई होते हुए सतारा चले जाएंगे, वहाँ पर आज स्टे देंगे। फिलहाल इस अनुभव को फील करना ज़रूरी है, इसलिए अपन लोग मॉर्निंग में पूरा घूम लेते हैं और लगेगा सनसेट। देखो कल भी ठीक से देख नहीं पाए, बस में बैठ बैठ के देखे और सनराइज़ भी हो चुका है अभी यहाँ 6:30 बजे, एक घंटा होने को है। और नहा धो के अपन फ्रेश हो गए, सब हो गए, चाय भी पी लिए अपने होम स्टे में, परंतु सनराइज़ हो चुका है। आप एकदम टॉप व्यू में भी जाएंगे तो सनराइज़ हुआ वाला दिखेगा व्यू हमें, सनराइज़ हो रहा है वो नहीं देख पाएंगे क्योंकि होता लेट है, पर जब होता है फटाक से हो जाते हैं सनराइज़ वेस्ट में। एनीवेज नीचे चलते हैं, कैब वगैरह सर्विस बुक करके लाना पड़ेगा। एक्चुअली गलती हो गई, कल एक ड्राइवर ने हमको ऊपर से पॉइंट से हम अपना बस छोड़ दिए थे यहाँ चेक पॉइंट में, वहाँ से लगभग 4 किलोमीटर यहाँ पैदल आ रहे थे, तो आगे 1.5 किलोमीटर में एक गाड़ी से हमने पिकअप ले लिया, ड्रॉप ले लिया यहाँ होटल तक के अपने। यहाँ देखो जंगल है अंदर पूरा, और हम से ये गलती हुई कि मैंने उस गाड़ी वाले को बुक नहीं किया, और बुक नहीं किया अभी इसीलिए पद यात्रा करना पड़ रहा है। और अपने होटल रूम में जो भैया है उन्होंने बोला कोई गाड़ी वाला जो था उसी को बोल दिए रहते घुमाने के लिए, पर वो भी गलती हो गई कि उसको बोलने भूल गए या पूछने भूल गए कि भाई ये आज घुमा दोगे कि नहीं यहाँ पर। वो सही रहता, आदमी भी सही था, 10 मिनट के दौरान उससे काफ़ी बातचीत हो गई थी, तो ये आज फिर अभी चलना नहीं पड़ता। चलो इसी बहाने मॉर्निंग व्यू का मज़ा भी ले ले रहा हूँ, पर जल्दी रूम पे आना पड़ेगा, तो जल्दी से चलते हैं, गाड़ी बुक करते हैं और नीचे रूम पे चलते हैं। चलो मिलते हैं फिर आगे। यहाँ जो एक गाड़ी गई, इससे पहले एक गई हो तो बाहर के गए लोग आए होंगे सुबह सुबह नाइट ड्राइव करके, या सीधा पूना से पिकअप भी होती है यहाँ की टूर्स ऑपरेटर्स की तरफ से, बॉम्बे से भी होता है, पर बॉम्बे डिस्टेंस ज़्यादा है, पूना 5 है। और एक खाली गाड़ी गई, मे बी यहाँ के लोगों को घुमा के ड्रॉप करेंगे वापस होटल में। हम तो फिलहाल गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं नीचे। ये टैक्सी खाली तो नहीं गई एकदम से, एक जन बैठ के गए इसमें। ये यहाँ का माहौल, ठंड यहाँ थी अच्छी, 16 डिग्री सेंटीग्रेड, 8-9 बजे चले गया था, लेट नाइट को 10 डिग्री तक गया, उसके बाद और ड्रॉप होते नहीं देखे, और अभी भी है ठंडा माहौल पर उतना नहीं है। और चूंकि हम नहा धो के निकले अभी, तो देखो मेरे को जैकेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ऐसे ही चल रहा हूँ मैं। यहाँ एक कार खड़ी है, पर ये किसी के घर की कार होगी। चलो ये जंगल दिखा दिया आपको, होम स्टे काफ़ी ऊपर में इस तरफ है था, साइड में मार्केट साइड में काफ़ी लाइन से है, पर बहुत भीड़ थी यार कल, मतलब हम लोग को लिटरली कितना पैदल आना पड़ गया, 3 किलोमीटर लगभग, और पहाड़ों में 3 किलोमीटर भी बहुत होता है। आधे घंटे से लोगों की भीड़ों के बीच फुटपाथ, कभी रोड, ऐसे करके चले आ रहे, ऐसा वाला हाल था। सुंदर सा व्यू, सुंदर सा नज़ारा। ये रीजेनेटा MPG क्लब, फाउंटेन होटल, भारत होटल और ओम निवास कॉटेज, इस तरफ सब लाइन से था। मैंने जो देखा यहाँ पर टॉसल एवरशाइन होटल कर गया है। चलो आधा आ गए हैं, आधा और नीचे चलते हैं, तो वहाँ टैक्सी स्टैंड है, बस स्टैंड भी, वहाँ से फिर हाफ किलोमीटर में मौजूद है वहाँ पर, और रोड में ही है पर हाफ किलोमीटर के डिस्टेंस में, जैसा कि हमारे होम स्टे ओनर ने बताया था, मैडम अक्षिता दत्तात्रेय थे। पर इन्होंने एक चीज़ है क्लियर मुझे ठीक से किया नहीं कि सुबह चेक इन टाइम आपका तब से काउंट होगा। हम सोच रहे हैं कि भाई रात को ही चेक इन टाइम है, बस हम थोड़ा सा 1-1.5 घंटा अर्ली आ गए, उस हिसाब से सोचे चलो जब चेक इन होगा उस हिसाब से चेकआउट है, तो हम आज शाम को ही देते हैं ना 4-5 बजे। पर अब दोबारा हो उनके होम स्टे आएंगे
रूम खाली रहे ना रही रहे, हमारा सामान ज़्यादा से ज़्यादा रखवा लेंगे। मुझे मालूम है, पर रूम की चाबी उनको हमें देना पड़ जाएगा, मतलब लिटरली हमें रूम छोड़ना पड़ेगा अभी 9-10 बजे तक के। इसीलिए हम गाड़ी बुक करते हैं, घूमते हैं, आएंगे, फ्रेश होने का मौका मिले ना मिले सामान लेके चले जाएंगे। और पंचगनी में होगा तो रुकेंगे वहाँ, एक सस्ता सुंदर टिकाऊ होटल बस स्टैंड के सामने ही मिला है, पर मैंने अभी बुक नहीं किया उसको, ऑनलाइन वाला सिस्टम है ना बुक करने का, इसलिए नहीं कर रहा अभी, पहले घूम लेते हैं। अगर घूम के सब हो जाएगा तो नहीं रुकेंगे, बाकी जिसको लेजर चाहिए, थोड़ा ऐसे एटमोसफेयर में घूमने का मज़ा चाहिए, वो यहाँ पर रह सकता है। तो ये एक होटल में फेयर है, वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट यहाँ पर है। अपन नीचे गए थे, वहाँ एक गुजराती एंड महाराष्ट्रियन और पंजाबी मिक्स थाली वगैरह मिलेगा सस्ते में, हमको एक महाराष्ट्रियन थाली का ही मिला, वो भी 150 रुपये पर प्लेट। यहाँ पहाड़ में घर बने हुए साइड कॉर्नर से आपको ऊपर जाना रहता है। पर क्रिसमस पार्टी हो रहा था ग्राउंड के अंदर में, अब हम जा सकते थे पर गए नहीं, को इतना अच्छा लगता है दिन भर घूमने चलने फिरने आते हैं खाने के काम, जो माइग्रेंट बैठा था ना उसको ठीक करना जरूर, खाना बहुत जरूरी है। हम लोग वहाँ पाँव से अलावा कुछ खाने पीने का दिखाई नहीं, साउथ इंडियन डिश वगैरह थे, पर कितने देर रुकेंगे नहीं रुकेंगे दो बार दो सीन आइडिया नहीं था। रिजॉर्ट घर ही को बनाया है, कॉटेज रिजॉर्ट नहीं बोलते कॉटेज, और आ रही है। ये देखो यहाँ का व्यू जैसा नीचे जाते जा रहा था, यहाँ मतलब शॉप ये क्या है सरकारी विभाग होगा, बस स्टॉप भी हो सकता है, बस स्टॉप को बताते हैं आधा घंटा आधा किलोमीटर की दूरी पे है। सुंदर से नज़ारा